नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लुक्सेमबर्ग वर्सेस फ्रांस के बीच जो होगा एलिमिनेटर वन यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप ग्रुप सी का। तो इम्पॉर्टेंट मैच डेफिनेटली होगा क्योंकि नॉकआउट मैच है, इसके बाद निकल जाएगा और जो टीम जीतेगा वो जो टीम हार के आ रहा होगा क्वालिफायर वन उनके अगेंस्ट होगा मैच। तो इनडेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में। दोनों टीम का अगर हालत देखोगे ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से दोनों एकदम से बैलेंस टीम है, मतलब बैलेंस मतलब दोनों अपने में बैलेंस है, बाकी इनका दोनों का बैटिंग वीक है, बॉलिंग दोनों का ठीक है। हाँ, मैं डेथ बॉलर को कैप्टन बनाऊंगा फिर से एक बार इस मैच में और वही मेरा कैप्टन बनेगा, सेफ वाइस कैप्टन रहेंगे एंड अमजद, बट डेथ बॉलर जो बनेगा वो बनेगा कैप्टन। कौन होगा वो मैं बताऊंगा, तो ध्यान से आप वीडियो अंत तक देखो, पसंद आए तो एक लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाओ कमेंट करो, और अगर चैनल में न्यू हो, डोमेस्टिक का मैचेस खेलना है ईसीसी के बाद अगर स्पेन खेलना है तो एक कमेंट कर देना, और उसका फाइनल अपडेट डेमोटिव वगैरह के लिए जुड़ जाना टेलीग्राम, इसके लिए डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज़ करो, आई थिंक बेस्ट होगा, सुपर होगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा पिन क्या हुआ ब्लू कलर का लिंक, और जाओ तो सर्च @ लगा के टीम FDF बिना स्पेस लगाए हुए। इस मैच के एनालिसिस में हम लोग आते हैं, 110 रन एवरेज स्कोर, बट टच करना दोनों के लिए मुश्किल है, खास करके देखोगे तो चेजिंग करना 110 के ऊपर मुश्किल होगा, बट मुझे नहीं लगता 110 को ही बना पाएगा। फ्रांस से देखोगे तो जुबेद अहमदी जो भी है, जुबेद अहमद, ये बैटिंग सेक्शन में कभी कभार बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो रखो अपनी टीम में। ओपन आएगा अब्दुल महातिर, डिफेंशियल पिक बनेगा क्योंकि टीम इनको एज ओपनर यूज़ कर रहा है, अगर खेलता है तो शायद फिर से ओपन करते हुए दिखेगा, पंत बन सकता है आपके लिए। नोमन हमें से मस्ट पिक है, बैटिंग फर्स्ट ये हमारे लिए पंत बन जाएंगे और चेजिंग के टाइम पे ये हमारे लिए पंत बन सकते हैं, ठीक है ना। नोमन अमजाद बहुत सेफ है, दो दो ओवर डाल रहा है, बैटिंग से कुछ ना कुछ पॉइंट हर मैच में है। देखो मेरे हिसाब से इनको कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से बना सकते हो, सेफेस्ट वाइस कैप्टन है, हिट और मिस नहीं है, ये आपको अराउंड 40 पॉइंट्स के करीब आपको देंगे, बट बहुत ज़्यादा पॉइंट 70-80 पॉइंट देना इनसे मुश्किल है, बट हाँ डेफिनेटली बहुत सेफ पिक है, डेथ में आ जाता है बॉलिंग के लिए, साथ साथ दो बैटिंग करा रहा है, अच्छा प्लेयर है, इसका एचेस पकड़ लेंगे। एल कैनेसवन बैट फर्स्ट ही लेना है सिर्फ कैनेसन को, वो अहमद जई दाऊद बहुत हिट और मिस है, शायद इनसे बेटर ऑप्शन है हमारे पास बॉलिंग सेक्शन में, बट वन साइड टीम में जरूर ट्राई करना क्योंकि दो दो ओवर कंसिस्टेंटली डाल रहा है, तो बॉलिंग फर्स्ट ट्राई कर सकते हो। जैन अहमद मेरे हिसाब से रखो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है बंदा, दो ओवर कंसिस्टेंट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स विकेट भी मिल रहा है और एकमात्र स्पिनर भी है इस टीम के लिए, लेजिमेट स्पिनर। और रहमतुल्ला मंगल डेथ ओवर आएगा तो विकेट निकाल के बहुत सारा जाएगा, मतलब बॉलिंग फर्स्ट कैप्टन बनाओ, सेकेंड इनिंग्स में टीम में लेके बैठ जाओ सिर्फ। और रोहुल्ला मंगल डेथ बॉलिंग फर्स्ट, ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाओ और सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ टीम में लेके बैठ जाना, अच्छा हो तो सेकेंड इनिंग्स में रोटेट कर सकते हो रिस्क टेकर्स लोग के लिए, खास करके ओपनिंग बॉलिंग डी अहमद जैर अहमदुल्ला एन अहमद, डेथ में रहमतुल्ला नोमन और रोहुल्ला करते हुए आपको दिख सकते हैं। दोस्तों ये पास्ट के रिकॉर्ड है, चाहो तो आपके अकॉर्डिंग रिव्यू कर लेना। लुक्सेमबर्ग से देखोगे तो इनके ओपोनेंट से इनका जो बैटिंग है ना थोड़ा सा मुझे संभला हुआ सुधरा हुआ लगता है, जो भी है चल नहीं रहा है बैटिंग, बट है इनके पास शिव करण विक्रम विज जैसे बैट्समैन है, तो शायद ये चेस करने के करेंगे तो ये ज़्यादा कंफर्टेबली विन कर जाए, अगर चेस किया तो, अगर बैट फर्स्ट हुआ तो इनका भी विकेट गिरेगा, खास करके लोअर ऑर्डर में बहुत हिटर का कमी दिख रहा है, खास करके टोनी व्हाइटमैन पता नहीं इनसे टीम क्यों ओपन नहीं करा है, मैं अगर कैप्टन होता तो मैं बोलता यार विलियम कॉप आपको अगर बैट घुमाना ही है तो जाओ आप पीछे बैट करो, ओपन आने दो टोनी व्हाइटमैन जैसे टॉप क्लास बैट्समैन को, अब जब ये बंदा ओपन आएगा देखना शतक भी करके जा सकता है, शतक ना हो तो 50 प्लस पता नहीं कब आएंगे, बट प्लेयर बहुत सॉलिड लगता है मुझे। टिमोथी बर्गर बैट फर्स्ट में ट्राई करूंगा, विलियम कॉप शिव करण अच्छा कैप वीसी है फिलहाल टीम में रखो, अक्सर ओवर भी कट जाता है। देखो विक्रम बीच थोड़ा थोड़ा करके बॉलिंग कर रहा है, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर बहुत जल्द आपको विक्रम बीच ज़्यादा बॉलिंग करते हुए दिखेगा इवन शिव करण से भी। नीचे से मुझे इंपॉर्टेंट जो लग रहा है इनका चार ओवर दो ओवर वाले बॉलर मोहित दीक्षित डेफिनेटली, अमित ढिंगरा डेफिनेटली, मुझे लगता है पंकज मलाफ लास्ट मैच में रेस दिया गया था, प्लेयर अच्छा है शायद बैक करे, ये तीन खेलता है तो तीनों आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगा, चौथा बॉलर मार्कस कोप, अब पाँचवा बॉलर रहेंगे विक्रम बीच शिव करण में ओवर डिस्ट्रीब्यूट, और क्या पता विक्रम बीच बहुत जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर भी करते हुए दिखेगा।
ध्यान दो, बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो मोहित दीक्षित कैप्टन बहुत ही कंसिस्टेंट है, बॉलिंग सेकंड सिर्फ टीम में रखेंगे, लास्ट मैच में ये हिटिंग भी कर लिया था। अमित ढिंगरा बॉलिंग फर्स्ट टीम में रखना है क्योंकि डेथ में आते हैं, सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप, पंकज मल्लाप अमित ढिंगरा से कोई एक ही रख सकते हो बॉल फर्स्ट में, पंकज मल्लाप भी खराब पिक नहीं होगा, इंटरनेशनल बॉलर है। थॉमस मार्टिन अगर खेलता है तो बैटिंग सेक्शन से आपको एक अच्छा पिक मिलेगा तो रख सकते हो। ओपनिंग बॉलिंग मोहित दीक्षित मल्लाप ढिंगरा, डेथ में ढिंगरा मोहित दीक्षित मल्लाप करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों ये इनके पास के रिकॉर्ड है, चाहो तो आपके अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हो। मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं कैप्टन बनाऊंगा जो भी डेथ बॉलिंग कराएगा। एन अमजद सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन है, चाहो तो आप, मैं मानता हूँ अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो इनको कैप्टन बना के इनको वीसी बनाओ, अगर इनका बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो इनको कैप्टन बना के इनको वीसी बना दो, ये बहुत ही सेफ प्लेयर है। एन अमजद, जैन अहमद, शिव करण है हमारे पास, ए दीक्षित है, आर मंगल, टी बरकर, जे अहमद, और गाइस हमारे पास एल कैनेसिन और विलियम कॉप। दोस्तों ये रहेगा मेरा फिलहाल अपडेट। देखो टी बरकर अगर आएगा और पी मल्लाप खेलेगा, दोनों एक साथ खेलेंगे तो इनका ओवर पक्का है कटना, तो ग्रैंड लीग में इनको रोटेट ड्रॉप करके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉलर ट्राई कर सकते हो। कुछ चेंजेस आप अगर करोगे तो मेरे हिसाब से सही होगा, स्पेशली मार्कस कॉप अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो जरूर ट्राई कर सकते हो क्योंकि दो ओवर देगा कंसिस्टेंटली। ये रहेगा फिलहाल अपडेट, फाइनल अपडेट डेमो टीम वगैरह टेलीग्राम पे आते रहेगा, तो जुड़ जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम पे।